इस वीडियो में क्लास 11 का लिमिट एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। 11 में क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एंड कंडीशन दिया गया ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। सो ये लिमिट निकालना है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे x टेंडिंग टू 1 तो x के जगह में 1 डालने से क्या होता है? c प्लस बी प्लस ए। तो c प्लस बी प्लस ए अगर 0 होता तो हमको प्रॉब्लम होता। c प्लस बी प्लस ए नॉट इक्वल टू 0 दिया है। सो x इक्वल टू 1 डायरेक्टली पुट किया जा सकता है। डायरेक्टली पुट करने से हमको क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर b इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस ए। तो ऊपर में हो गया ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस बी प्लस ए। यहाँ पे लिमिट डायरेक्टली पुट क्यों कर पाए? क्योंकि हमको ये कंडीशन दिया गया है, ये ए प्लस बी प्लस सी 0 लीजिए। मतलब लिमिट पुट करने से नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होता है। सो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज इक्वल टू 1। सो कैंसलेशन करने से 1, ये हो गया 1 का 11 का आंसर। 12 देखेंगे क्या है। 12 में क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू माइनस टू 1 बाय x प्लस 1 बाय 2 x प्लस 2। सो यहाँ पे प्रॉब्लम है, x का वैल्यू माइनस 2 डालने से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। माइनस 2 प्लस 2 यहाँ पे 0 हो जाता है। x का वैल्यू माइनस 2 डालने से 0 हो रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट किया नहीं जाता, यहाँ पे डायरेक्टली हम पुट नहीं कर सकते। सो उसके लिए हमको कुछ फैक्टर ऊपर से निकालना है जो कि यहाँ पे कैंसिल हो जाए। अगर फैक्टर मिले तो इसका वैल्यू निकलेगा, फैक्टर नहीं मिले तो इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे? ऊपर में एलसीएम लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस टू, इसका मतलब x का वैल्यू माइनस टू नहीं है, माइनस टू टू के बहुत पास है। ऊपर में एलसीएम 2x x प्लस 2, नीचे में भी x प्लस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू माइनस टू x प्लस 2, ये नीचे में मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2। सो x प्लस 2 कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि x प्लस 2 0 नहीं है, 0 के बहुत पास है लेकिन 0 नहीं है। तो इसको अभी डायरेक्ट पुट करने से क्या होगा? 2 इंटू माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 1 बाय 4, ये है आंसर। सो न्यूमरेटर में 0 होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 होने से हमको देखना पड़ेगा कि वो फैक्टर न्यूमरेटर से कुछ कैंसिल किया जा सकता है क्या। 14 क्वेश्चन नंबर 14 में भी उसी प्रकार है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स, इस बार दिया है a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0। a और b नॉट इक्वल टू 0 इस बार दिया गया, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax बाय ax साइन bx बाय bx, नीचे ऊपर ax एंड bx से डिवाइड किया। तो x x तो कैंसिल हो गया, a ऊपर में a और नीचे में b, ज़्यादा लिखा तो ऊपर में a से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये a एंड b बाहर में लिखा जा सकता है, a बाय b लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax बाय ax साइन bx बाय bx।
इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिखा लिख सकते हैं a बाई बी वन इन वन बाई वन साइन x बाई एक्स, आगे में भी हमको मिला था साइन x बाई एक्स इस प्रकार से वन हो जाता है। सो लिमिट चेंज करने से भी ये स्टेप दिखा के कर सकते हैं, अगर लिमिट चेंज किए बगैर भी करने से भी नो प्रॉब्लम किया जा सकता है, इस प्रकार भी शॉर्टकट में कर सकते हैं। डैट इज इक्वल टू a बाई बी आंसर। सो इस प्रॉब्लम का, इस लिमिट का आंसर है a बाई बी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, इसमें लिमिट चेंज किया जा सकता है। सो लेट पाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई, सो व्हेन एक्स टेंडिंग टू पाई, जब x पाई की ओर जाएगा, सो पाई माइनस पाई इक्वल टू जीरो, y टेंडिंग टू जीरो। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन में y के पाई माइनस x के जगह में y लिखने से हम लोग x टेंडिंग टू पाई को y टेंडिंग टू जीरो के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो x टेंडिंग टू पाई मतलब लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, साइन पाई माइनस एक्स मतलब y, पाई y, ये पाई कांस्टेंट है उसको बाहर लिख सकते हैं, 1 बाई पाई लिमिट y टेंडिंग टू जीरो साइन y बाई वाई, सो साइन y बाई वाई, y टेंडिंग टू जीरो होता है 1। सो हमने सैंडविच थ्योरम के द्वारा प्रूफ किया था इसको, ये इनइक्वालिटी को, ये फॉर्मूला को, दैट इज 1 बाई पाई, ये आंसर। 16, सो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो cos x बाय पाई माइनस एक्स। अभी यहाँ पे x टेंडिंग टू जीरो डालने से क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नीचे में जीरो डालने से तो नीचे में जीरो नहीं हुआ, ऊपर में जो भी हो नो प्रॉब्लम, लेकिन ऊपर में भी जीरो नहीं होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स इक्वल टू वन, पाई माइनस जीरो वन बाई पाई। सो ये सबसे ईजिएस्ट था, जस्ट लिमिट को पुट करना है, नीचे में भी जीरो नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, ऊपर में भी ईजी है। 17, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉस 2x माइनस वन कॉस एक्स माइनस वन। सो यहाँ पे कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, हमको मालूम है कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 इक्वल टू है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर से नीचे वाला माइनस करने से क्या होगा, दिस माइनस दिस कैंसिल, यहाँ पे माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे होगा माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे होगा माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इस प्रकार से मिल रहा है हमको, अभी क्या करेंगे, क्या लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय टू बाय एक्स बाय टू होल स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे एक्स बाय टू हाफ ज़्यादा लिखा है इधर में, तो उसको वन बाय टू होल स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, वन बाय टू होल स्क्वायर टू स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे टू स्क्वायर होने से ये और ये टू कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर न्यूट्रल हो रहा है, तो ये टू स्क्वायर ऊपर में जाने से ये इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, टू स्क्वायर मतलब फोर। तो ये लाइन और ये लाइन इक्विवेलेंट है,
सो 4 को आगे फॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर साइन एक्स बाय टू बाय एक्स बाय टू होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू 1 होता है, सो 4 इंटू 1 ये भी 1 ही है, सो दैट इज इक्वल टू 4। सो इस लिमिट का आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स बाय बी साइन एक्स, इसमें भी x से डिवाइड किया जा सकता है न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स बाय एक्स बी साइन एक्स बाय एक्स। तो अभी लिमिट पुट किया जा सकता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ पे हो गया a, यहाँ पे हो गया cos x, यहाँ हो रहा है b sin x by sin x by x। तो अभी लिमिट पुट करने से क्या होगा, a cos एक्सटेंडिंग टू 0 cos x मतलब 1, b ये हो गया आपका 1, तो a प्लस 1 बाय b ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x sec x, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sec x क्या होता है, ये होता है आपको 1। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sec x इक्वल टू 1 है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sec x, तो ये हो गया 0 इंटू 1 इज 0। नंबर 20, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स प्लस बी एक्स एक्स प्लस साइन बी एक्स ए बी नॉट इक्वल टू 0 ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। सो एक्सटेंडिंग टू 0 डालने से हमको जो जो कंडीशन अराइज हो सकता है प्रॉब्लमेटिक, वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन यहाँ से नालीफाई कर दिया है, नहीं होगा वो सब। तो अभी क्या कर सकते हैं, एक्स से डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स प्लस बी एक्स बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बाय एक्स साइन बी एक्स बाय एक्स। सो इस प्रकार न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हर टर्म को डिवाइड किया। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ए एक्स होने से लिमिट निकाला जा सकता, तो ये पे ए एक्स लिख दिया तो ऊपर में लिखेंगे ए, यहाँ पे बी एक्स लिख दिया तो ऊपर में बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो लिमिट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट भी किया जा सकता है, ये हम लोग उधर में डाल भी सकते हैं। सो ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे लिमिट क्या डालेंगे, बी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बी है एक, बी बाहर लिखेंगे साइन बी एक्स बाय बी एक्स। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन बी एक्स बाय बी एक्स इज इक्विवेलेंट टू लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 साइन वाई बाय वाई, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है जहाँ से हमको 1 मिलेगा। सो ये भी 1 है, तो a प्लस बी बाय ए प्लस बी, सो ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 दिया है और a नॉट इक्वल टू 0 दिया है इसलिए डिवाइड कर पाए, यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 दिया है सो b से डिवाइड कर पाए यहाँ पे, सो ये सब कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ए से डिवाइड किया क्योंकि ये कंडीशन है, बी से डिवाइड किया क्योंकि ये दिया है, ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे क्योंकि वो दिया है,
सो ये इसका लिमिट होता है 1। सो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।